कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है समान नागरिक संहिता। देश में इस वक्त यही मुद्दा गरमाए हुआ है। वैसे तो इसके मतलब से ही साफ समझ आ रहा है कि ये कानून देश के हर नागरिक को समान अधिकार देगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक तरफ जहां देश की जनता केंद्र सरकार की इस पहल को हाथों हाथ लेने के लिए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। मोदी विरोध में ये विपक्षी इतना खो गए हैं कि सही गलत की पहचान करना भूल गए हैं। तभी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतने बेताब है कि देश हित में क्या है इससे भी इन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आंख बंद करके मोदी सरकार का विरोध जो करना है। यूसीसी के मुद्दे पर भी विपक्ष दो नहीं बल्कि तीन खेमों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो खेमा है जो यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, दूसरी तरफ वो खेमा है जो इसका खुलकर विरोध कर रहा है, तीसरा खेमा वो है जो खुलकर यूसीसी का समर्थन भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वाली शर्तें भी रख रहा है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती इसी तीसरे खेमे में शामिल है। दरअसल मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूसीसी पर खुलकर अपनी राय रखी। मायावती ने कहा, हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसे लाना चाहती है उसका विरोध है। इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं। जरा सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजे हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा, साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।
आपको बता दें यूसीसी पर बहस उस वक्त से और ज्यादा तेज हो गई जब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी राय रखी थी। सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर क्या कुछ कहा था। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। तो देखा आपने कैसे यूसीसी पर मोदी सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है, और वहीं दूसरी तरफ विरोधी अपनी अपनी राय इस पर रखते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से मायावती ने यूसीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? और जिस तरह से उन्होंने इसके लिए एक शर्त रख दी, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई।